बरसात का मौसम आएगा और साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक भी आ जाती है इस एरिया में तो यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। विंटर का पीरियड चल रहा है, कोई बरसात नहीं है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया अभी रिसेंट पीरियड में, तो अगर थोड़े दिनों बाद जब बरसात का मौसम आएगा और साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक भी आ जाती है इस एरिया में तो यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। हम लोगों ने उस एरिया में थोड़े से अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में सर्वे किया था और हम लोग जो जो अलकनंदा नदी है और जो धौली गंगा नदी है उसका सर्वे कर रहे थे। वहाँ पे एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके संबंध में हम लोग वहाँ पे फ्लड इनंडेशन मॉडल्स बना रहे हैं, तो उसके संबंध में हम लोग सर्वे कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी जो घाटी है वो बहुत वहाँ पर स्टीप टेरेन है, जो बहुत ज़्यादा स्लोप वहाँ पर बहुत हाई है। और हम लोगों ने 2 साल लगातार सर्वे किया है और इन 2 लगातार सालों में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं वैली में। बहुत जगहों पर हमने नई लैंडस्लाइड देखी, छोटी मोटी ही सही लेकिन वो देखी। लेकिन मुझे एनटीपीसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और जल अपने क्या बोलते हैं ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि तीनों उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूर्णीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया, इसको भी पार करेगा। पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री है, वो बहुत ही ऋषि मुनि जैसा मुख्यमंत्री है, उनके होते हुए, और मोदी जैसे महायोगी जो हिमालय से ही आशीर्वाद लेके गए, उनके होते हुए जोशीमठ पे संकट मंडराएगा लेकिन संकट के बादल हटा दिए जाएंगे। सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है, और लगभग जो
वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जो सीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करें। नहीं, लोगों में गुस्सा होगा लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है, हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएँ हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, आप देख लिए उन्होंने? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय लगातार इस बात की चिंता कर रहा है और लगातार अपडेट ले रहे हैं।